नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज। मुख्यमंत्री आदिनाथ योगी ने देश श्रद्धांजलि, झांकियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी की गर्जना। गोरखपुर की प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी को घेरेंगी प्रियंका गांधी। हम वचन निभाएंगे का दिन भी नारा। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में एक यात्री की हुई मौत। हादसे में आधा दर्जन यात्री हुए घायल। महंगाई को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। खाद बीज नहीं मिलने का भी लगाया आरोप। जिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। जौनपुर के भंडरिया में घर में पटाखों से हुआ ब्लास्ट। दर्दनाक हादसे में बच्चे का मिला शव। मलबे में दबने से पांच अन्य लोग भी घायल। चलिए अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से 75 बाइक सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और उनके राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कार्य को समर्पण करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को कमजोर करने के लिए रियासतों के ऊपर निर्णय छोड़ा गया। या तो वे भारत में विलय करें या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र देश बनाएं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत एकीकरण अभियान से वे स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बिजनौर में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में दौरा कर जनता से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बसपा प्रभारी शकील हाशमी ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया। शकील हाशमी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आगामी 7 नवम्बर को शकील हाशमी की बतौर बसपा प्रत्याशी के रूप में घोषणा भी हो जाएगी। शकील हाशमी ने चांदपुर के कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि मामूली बारिश में ही यहां सड़कें लबालब हो जाती है। आपको बता दें कि वर्तमान में चांदपुर में भाजपा के विधायक कमलेश सैनी है। खुद पब्लिक को दे रखा है सबसे बड़ी आफत जो इन्होंने डाल रखी पब्लिक के हाथ। सबसे बड़ी तो महंगाई है। आज हालत देख ही रहे हो आप, पेट्रोल 100 भी क्रॉस कर चुका और सिलेंडर की कीमत देख ही रहे हो 1000 के ऊपर पहुंच गया। तो मुद्दे तो इतने हैं कि पब्लिक गिनने ही भारी हो गए, इनसे मुद्दे खत्म होने आएंगे नहीं। और जहाँ तक हमारी तैयारी की जरूरत है, हम सब समाज को लेकर पूरी जोश शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं और बहन जी को 5 बार सुबह मुख्यमंत्री बनाएंगे और बसपा की सरकार लेकर आएंगे। यूपी के फतेहपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पटेल सेवा संस्थान की ओर से रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा पटेल सेवा संस्थान से निकलकर विद्यार्थी चौराहा होते हुए पटेल चौराहा पहुंची, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। एडवोकेट श्रीराम पटेल ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल का देश की अखंडता में भी मुख्य योगदान रहा। भारत रत्न जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, उनकी आज जन्मदिवस के अवसर पर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश में एक बदलाव लाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन की जाएगी और
भ्रष्टाचार को से मुक्त किया जाएगा जनपद को। शासन प्रशासन के स्तर में बदलाव किया जाएगा और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जयंती के कार्यक्रम और इनके आदर्शों पर चलते हुए हम नए फतेहपुर का निर्माण करना चाहते हैं। कन्नौज में लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट से राष्ट्र के लिए दौड़ का आयोजन भी किया गया। दौड़ में डीएम राकेश कुमार मिश्रा, एसपी प्रशांत वर्मा सहित जिले के कई अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए। इस दौरान डीएम ने कहा कि दौड़ के आयोजन का मकसद सरदार पटेल की सोच को आम जनता तक पहुंचाना और उन्हें एकता के सूत्र में बांधना है। हमीरपुर में बसपा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में महंगाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बसपा जिलाध्यक्ष राघवेंद्र अहिरवार ने बताया कि किसानों को समय से खाद और बीज नहीं मिलने और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है। साथ ही बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों में रातों रात बढ़ोतरी से स्थिति बहुत दयनीय बन गई है। उन्होंने ज्ञापन के जरिए किसानों और आम जनमानस को इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। कानपुर देहात के रसूलाबाद में पूर्व सांसद राजा रामपाल का समाजवादी पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदार नीलम कठेरिया और सपा नेता अकील अहमद ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश सचिव विजय गुप्ता ने जनता से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद राजा रामपाल ने कहा कि जब देश प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तभी से अन्याय और अत्याचार बढ़े हैं। अपने मंच से भी बताया है कि पूरे देश में अगर कोई पार्टी मोदी से लड़ता नजर आता है तो कांग्रेस नजर आती है, गांधी परिवार लड़ता नजर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। उत्तर प्रदेश में अगर योगी के रथ को नहीं रोका गया तो फिर न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में जंगी रोड पर ट्रक और बस की टक्कर हो गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। साथ ही गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद की झपके आने से यह हादसा हुआ। सर मैं लखनऊ से आ रहा था मिर्जापुर के लिए, फिर मिर्जापुर से मुझे शक्तिनगर जाना था, मेरा घर शक्तिनगर में। अच्छा, तो क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ? सर मैं तो सो गया था, मैं जस्ट गेट के पास जो खिड़की होती है ड्राइवर साइड गेट के पास, मैं वहीं पे बैठा था। अच्छा। मैं नींद में था तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन पता चला है कि कोई ट्रक सामने से उसको लड़ा दिया सर। अच्छा अच्छा, तो कुल कितने यात्री उसमें सवार थे? सर लगभग सभी सीट भरी हुई थी, सभी सीट पर लोग बैठे हुए थे, खड़ा कोई नहीं था। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर को नींद आ गई, ऐसा तो नहीं था? सर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सामने से कोई ट्रक लड़ाया है तो हो सकता है कि ड्राइवर की ही गलती हो सकती है। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक रीजनल ऑफिस में कार्यरत श्रद्धा गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया, साथ ही परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश कर मामला शांत कराया। बता दें कि श्रद्धा गुप्ता ने सुसाइड नोट में तीन लोगों का नाम लिखा है। यूपी के जौनपुर के भंडरिया में मकान के अंदर पटाखा ब्लास्ट के मामले में आज एक बच्चे का शव मिला। ये बच्चा पटाखे खरीदने के लिए यहां पर आया था लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चा नहीं मिला लेकिन उसकी साइकिल वहीं खड़ी हुई पाई गई। तो वहीं आज उसी मकान के मलबे में बच्चे का शव मिलने से परिवार में शोक की लहर छा गई है। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि इस घटना में 5 लोग घायल भी हुए थे।
यूपी के शाहजापुर में ऑयल डिपो से डीजल चोरी करने वालों गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहां की तिलहर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लंबे अरसे से डिपो से तेल चोरी का ये गोरख धंधा चल रहा था। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी का कहना है कि जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभियुक्तों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, 26 प्लास्टिक कैन सहित लगभग 130 लीटर डीजल भी बरामद किया गया। इसरो में वैज्ञानिक के पद पर चयनित होने के बाद माधुरी पूर्णा पहली बार अमरोहा पहुंची। यहां के रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नौगावा असादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत अब्बलपुर गांव की रहने वाली माधुरी पूर्णा प्रजापति कुछ दिन पहले ही इसरो में वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सफलता उन्हें परिजनों के आशीर्वाद और उनके कठोर परिश्रम से मिली। आगे भी अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करती रहेंगी। और 12th लिटिल स्कॉलर्स अकेडमी से मैंने किया। फिर उसके बाद बीटेक मैंने ज्वाइन किया थ्रू AIEEE रैंक इन MDUIT रोहतक। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग लिया गेट का जो कि PSUs के लिए प्रिपरेशन कराता है। यूपी के बुलंदशहर में APL अपोलो कंपनी में भीषण आग लग गई जिसके बाद पूरी कंपनी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले की सूचना पर सिकंदराबाद खुर्जा से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। कंपनी के कर्मचारियों ने भी इस काम में सहायता की। तब कहीं जाकर घंटों के बाद इस आग पर नियंत्रण किया गया। गनीमत हालांकि इस दौरान ये रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जालौन में उत्तर प्रदेश सरकार की खनन नीति को खनन माफिया पलीता लगाते नजर आ रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय से प्रतिबंधित हैवी मशीनों का प्रयोग खनन में तो किया ही जा रहा है, तो वहीं नदी की जलधारा से भी खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि NGT नदी की जलधारा से खनन की अनुमति नहीं देता। JCB मशीन का प्रयोग सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन जालौन में कालपी तहसील में आने वाली पथरेहटा खंड वन में दिन रात 4 से 6 मशीनें लगाकर खनन कार्य किया जा रहा है। NGT के नियमों की खुलेआम भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूपी के बस्ती जिले से खबर। सरनागी गांव स्थित मंदिर में चोरी हुई है। यहां चांदी के मुकुट पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। हनुमान जी की मूर्ति से चांदी का मुकुट भी चोरी कर लिया। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना पैकोलिया के सरनागी गांव में एक हनुमान मंदिर में चांदी का मुकुट चोरी हो गया है, जिसके संबंध में सरनागी गांव के आशीष सिंह ने थाना पैकोलिया पर तहरीर दी है और इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें घटना के अनावरण का प्रयास। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को एक साथ साध रही हैं। फिलहाल मौजूद है वहां पर, वो पहुंच गई है कार्यक्रम में। सीधा लाइव चलेगा। बगल में
जहां बुनकरों की बड़ी आबादी है, एक रुपया योजना देने का काम इस मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी विकास की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी बताओ आपने कौन सा विकास किया है? अगर गोरखपुर में जो सारी कॉलोनियां बनी है उसको बनाने का काम वीर बहादुर सिंह जी, जो उस समय के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रामगढ़ ताल को कांग्रेस ने बनाया, फर्टिलाइजर का निर्माण कांग्रेस ने किया, रेलवे का निर्माण कांग्रेस ने किया, संत कबीर नगर में कंबल का उद्योग लगाने का काम कांग्रेस ने किया था। लेकिन जरा आप बता दीजिए आपने कौन सा ऐसा काम किया? हाँ ये जरूर रहा, अगर गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, 5 बार सांसद, तो गली गली में कमर से ऊपर तक बारिश के दिनों में पानी लगने का काम हुआ। यहाँ के सारे रेड़ी ठेला पटरी व्यवसायियों को उजाड़ कर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सारे नाली को ऊंचा कर दिया गया और सड़क को नीचा करने का काम और लोगों को डूब क्षेत्र में रहने का मजबूर करने का काम किया गया। ये बाढ़ का भी क्षेत्र है, गंडक के नाते लोगों को हर साल खट्टा से लेकर कुशीनगर महाराजगंज के लोगों को तबाही का आलम झेलना पड़ता है। लेकिन इस चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।